Four vertices of a rhombus taken in an order are 3, 0, 4, 5, minus 1, 4, and minus 2, a. We have to find out the value of a. So, rhombus जो है वो क्या है? एक symmetrical figure है. 3, a मान लिया ये है. ये 4, 5 है. ये minus 1, 4 है. और ये minus 2, a है. हमें इस a की value निकालनी. तो, 3 से 4 इधर क्या हो गया, एक नंबर बढ़ गया. देखो इधर भी क्या हुआ, ऐसे माइनस टू से क्या हुआ, माइनस वन, एक नंबर बढ़ गया. जीरो से फाइव, पांच नंबर बढ़ गए. तो ऐसे ही ए से फोर हो रहा है, यानी कि ए क्या होगा, जिससे पांच नंबर आगे जाने पे फोर आ जाए, यानी कि ए की वैल्यू कितनी, माइनस वन. आप इसको कहीं और से भी चेक कर सकते हैं, जैसे कि फोर से माइनस वन हुआ, कितना हो गया, पांच नंबर कम हो गए. वैसे ही थ्री से माइनस टू, देखो इधर भी क्या हुआ, पांच नंबर कम हुए. फाइव से फोर, एक नंबर कम. तो जीरो से ए, यानी कि एक नंबर इधर भी कम होगा, तो ए की वैल्यू क्या आई, माइनस वन आई. ऐसे क्वेश्चंस एमसीक्यू के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लास टेंथ के लिए हो, चाहे एनडीए के लिए हो, चाहे सीडीएस या कोई और भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम. ऐसे ही एक और क्वेश्चन है कि अगर फोर वर्टिसेस, चार वर्टेक्स जो हैं उन्हें मान लिया जाए 4, 3, 3, a, b और -3, -1, ठीक है. तो हमें a रेशियो b की वैल्यू निकालनी है. a रेशियो b की वैल्यू क्या होगी, देखो 3 से 3 कांस्टेंट है, इसका मतलब ये वाली वैल्यू भी कांस्टेंट रहनी चाहिए, माइनस वन. बी भी कितना रहना चाहिए, माइनस वन. तो बी की वैल्यू हो गई माइनस वन. अब इधर देखते हैं, फोर से माइनस थ्री आ गया, या इधर से इधर देखने में ज़्यादा सही, फोर से थ्री हो गया, यानी कि एक वैल्यू कम. ऐसे इधर भी एक वैल्यू कम हो जानी चाहिए, तो माइनस थ्री से एक वैल्यू कम, मतलब माइनस थ्री से माइनस वन करेंगे तो कितना आएगा, ए की वैल्यू माइनस का फोर. तो क्वेश्चन ये पूछा गया था, फाइंड ए रेशियो बी. ए रेशियो बी कितना हो जाएगा फिर, माइनस फोर अपॉन माइनस वन, यानी कि 4:1. ऐसे इस ट्रिक की मदद से, क्योंकि ये सिमेट्रिकल फिगर्स हैं, तो आप यहाँ पे सिंपली ये फार्मूला लगा सकते हैं, ये ट्रिक अप्लाई कर सकते हैं, बिना किसी डिस्टेंस फार्मूला या सेक्शन फार्मूला की मदद से, या पैरेललोग्राम या रोम्बस की किसी और प्रॉपर्टी की मदद से, डायरेक्टली ऐसे सिमेट्री की मदद से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं. ऐसे क्वेश्चन NDA, CDS या क्लास 10th के बोर्ड्स में, MCQs में भी पूछे जा सकते हैं.